इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल और पावर ड्राइंग की आरडूएल सर्किट की। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं आरडूएल और डूएल में क्या डिफरेंस है। आरडूएल का मतलब होता है रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन, मतलब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हो। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन मानी जाती है और आरडूएल में फॉरवर्ड प्लस रिवर्स आप चला सकते हो। और इसका ये है पावर डायग्राम। ओके, चलिए पावर डायग्राम देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है डूएल से। यहाँ पे आ रही है आर वाई बी, बीच में कोई भी सर्किट ब्रेकर या एमसीबी लगा हुआ है। उसके बाद हमारे दो कॉन्टेक्टर्स लगे हुए हैं, एक फॉरवर्ड का एक रिवर्स का। ओके, अब इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एक फेज़ का चेंज होगा। यहाँ पे आ रही है आर फेज, यहाँ पे आ रहा है वाई फेस, यहाँ पे आ रहा है बी फेस। लेकिन यहाँ से आर यहाँ पे जुड़ गया, वाई जो है ये है यहाँ पे जुड़ा हुआ, और जो ग्रीन वाला है वो जुड़ गया सेंटर वाले में। मतलब यहाँ पे हमने एक फेज़ चेंज कर लिया। उसके बाद हमारी ओवरलोड रिले के बाद में सीधे हमारा आर वाई बी मोटर को चला गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर पावर सर्किट है वहाँ पर हमारी डायरेक्शन गई है आर वाई बी। अगर हमें उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो कोई से भी हम फेज़ दो फेज़ इंटरचेंज कर देंगे, या तो आर वाई वाई बी बन जाएगा वाई बी आर, ओके, या फिर हमारा आर बी वाई बन जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें कोई भी दो फेज़ इंटरचेंज करने हैं, उससे हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मोटर का। अब वो डायरेक्ट कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा सर्किट है डूएल का, ओके, अभी मैं डायरेक्ट ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें आपको डिफरेंस भी बताना है कि आरडूएल और डूएल में क्या डिफरेंस होता है। अगर डूएल सर्किट में मुझे किसी भी मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो वह कहाँ पे करेंगे? पहला ऑप्शन है हमारे पास एमसीबी में चेंज करने का, दूसरा ऑप्शन है हमारा कॉन्टेक्टर में चेंज करने का क्योंकि आरडूएल में इतनी ही ड्रॉइंग रहेगी, और तीसरा ऑप्शन है हमारा रिले में भी चेंज करने का। मतलब कि यहाँ से जो आर वाई बी आ रहा है हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं, उससे हमारी मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं कंट्रोल ड्राइंग की आरडूएल सर्किट की। इसी में ही मैं डूएल के बारे में भी समझाऊंगा, आरडूएल के बारे में भी समझाऊंगा। ओके, पूरे सर्किट में यहाँ से फेज़ आया, यहाँ से हमारा ओवरलोड रिले का एक एनसी लगा हुआ है। ये हमारा फॉरवर्ड स्टॉप पुश बटन है, ये हमारा रिवर्स स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, इन दोनों के एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं। ये हमें इमरजेंसी भी हो सकती है या फिर एक पुश बटन भी हो सकता है। कुल मिला के ये मोटर को बंद करने के लिए यहाँ पर स्टॉप बटन लगाए गए हैं। उसके बाद हमारा एक C2 कॉन्टेक्टर का एनसी है। C2 कौन सा है? ये है। और इधर C1 कॉन्टेक्टर का एनसी है, वो है ये। फिर हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है स्टार्ट का, और इधर हमारा रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है। यहाँ पर हमारा एक C1 का NO कॉन्टेक्ट है जो कि ये है, और यहाँ पे C2 का NO कॉन्टैक्ट है जो कि ये है कॉन्टैक्टर, इसका NO कॉन्टैक्ट। ओके, अब यहाँ पे लॉजिक क्या क्या है ये सर्किट में लगाने का, ठीक है, देखिए एक एक करके लॉजिक समझते हैं। मैंने अपने वीडियोस में दो तीन वीडियोस ऐसी बनाई हैं जो कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को समझाने के लिए। अगर आप वो ये ड्राइंग और जो दो तीन ड्राइंग्स और हैं उसके वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको 70-80% ईजिली आप ड्राइंग को पढ़ सकते हैं खुद। जी हाँ, क्योंकि मैं इसमें लॉजिक भी समझाता हूँ कि ये लॉजिक क्यों लगाया गया है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ओवरलोड रिले का एनसी क्यों लगाते हैं? इसका रीज़न ये है कि ये फीडबैक के लिए लगाया गया है कंट्रोल में। अगर ये सर्किट हमारा यहाँ पे कंटिन्यू हेल्दी मिलता है, मतलब एनसी मिलता है, यहाँ पे मैं टेस्टर लगा के देखूँगा 110 वोल्ट आ रहा है अगर, ओके, तो मेरा यहाँ पे टेस्टर दिखेगा जलता हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा ओवरलोड रिले हेल्दी है अभी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड का स्टॉप पुश बटन लगाया गया है एनसी। ओके, जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा ये एनसी का बन जाएगा NO और मेरा फेज़ आगे जाना बंद हो जाएगा, फेज़ आगे नहीं जाएगा यहाँ से। ओके, तो इसका मतलब मेरा यहाँ से सर्किट पूरा टूट गया, मैं इसको नहीं चला सकता।
अगर मेरा इमरजेंसी पुश बटन लगा है तो मेरा वो कंटिन्यू एनो बना रहेगा, जब तक हम उसको रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक एनसी नहीं होगा। लेकिन अगर वो पुश बटन है ऑब्वियसली, तो सिर्फ वो पुश बटन करके उस सर्किट को बंद करके यहाँ से फेज काट देगा और आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी पहले ड्राइंग्स में भी बताई है वो ये है कि यहाँ पे देखिए, कॉन्टैक्टर कॉइल से पहले, जिस कॉन्टैक्टर को हमें ऑन करना होता है उससे पहले, अगर मेरा रिवर्स और फॉरवर्ड की कंडीशन है, रिवर्स और फॉरवर्ड की कंडीशन है, तो सिंपल सी बात है कि मैं ये चाहूँगा कि मेरा एक ही कॉन्टैक्टर एक बार में ऑन हो। नहीं होना चाहिए कि दोनों लग जाएँ, ओके, वो ठीक भी नहीं है सिस्टम के लिए और हमारे सर्किट के लिए। तो अगर हमारा एक ही कॉन्टैक्टर लगाना है तो उसके लिए हम सेफ्टी क्या लेते हैं, ये देखें, यहाँ पे हमने C2 का NC लिया है, मतलब कि ये इसका एक NC कॉन्टैक्ट लिया है, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या, और यहाँ पे हमने C1 का एक NC कॉन्टैक्ट लिया है इसका। अब मान लीजिए इसका एक, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया अपने वीडियो में कि एक कॉन्टैक्टर अगर होल्ड होता है, ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन दिखाई होती है वो चेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, अगर मेरा ये कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई पहुँचेगी इधर से न्यूट्रल और आगे से फेस, तो क्या होगा, ये यहाँ से NO हो जाएगा। जैसे ही ये NO होगा तो अगर यहाँ तक भी फेस आ रहा है तो ये फेस को आगे जाना बंद कर देगा। कैसे जाएगा जब तक NO रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये NC का NO हो जाएगा और यहाँ फेज़ नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये हेल्दी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में मेरा ये कॉन्टैक्टर नहीं लगा है अभी, तो यहाँ पे हमारा NC है, तो यहाँ से फेज़ मेरा सीधे यहाँ से चला जाएगा आगे, ओके। पहला पॉइंट तो ये है कि ये कॉन्टैक्ट्स क्यों लगाते हैं। अगर मैं इस वाली ड्राइंग की बात करूँ फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड में क्या हो रहा है कि अगर मेरा ये कॉन्टैक्टर अभी नहीं लगा है तो फेज़ मेरा यहाँ से आगे जा रहा है, मतलब कि ये नहीं लगा तो ये लग सकता है, ओके। लेकिन अगर मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर लग चुका है C2, तो यहाँ पे मेरा फेज़ आगे नहीं जाना चाहिए, वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये C2 का NC का NO हो जाएगा। जैसे ही ये लगेगा ये कॉन्टैक्ट्स इंटरचेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा NO। जब ये NO हो जाएगा तो आगे फेज़ ही नहीं जाएगा, तो हमारा फॉरवर्ड लगेगा ही नहीं, और लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा रिवर्स लगा हुआ है। ये दोनों ड्राइंग्स में पैरेलल में समझा रहा हूँ क्योंकि सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड का पुश बटन, इसमें क्या होगा, NO कॉन्टैक्ट है। सारा जो गेम है वो NO और NC का ही गेम है बस, कंट्रोल में। जो इसको समझ गया वो इजीली ड्राइंग कोई भी इलेक्ट्रिकल की पढ़ सकता है। अब देखिए फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन है ये, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैंने NC किया, यहाँ फेज़ जाना चालू हो जाएगा, फेज़ जाना चालू हो जाएगा, C1 है ये, ओके। अब C1 कॉन्टैक्टर का देखिए, एक कॉन्टैक्ट ये लगा हुआ है NO, ये क्यों लगा है। अब देखिए जो यहाँ पे पुश बटन दबा रहा है वो कंटिन्यू तो खड़ा नहीं रहेगा दबा के, वो दबाएगा और छोड़ देगा, तो ये लैचिंग कहाँ से होगी, इसको हम बोलते हैं क्या, लैचिंग। इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये कॉन्टैक्टर लगेगा, मतलब कि ये होल्ड होगा, तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये हो जाएगा हमारा NC, ठीक है। जब ये NC हो जाएगा और अगर यहाँ से कोई भी जो पुश बटन दबाया था वो छोड़ भी दिया, तो सर्किट हमारा ये वाला फॉलो करेगा, यहाँ से फेज जाएगा। देखिए यहाँ पे फेज़ आ रहा था, ये किसी ने पुश बटन दबाया, ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। अब क्या होगा, ये C1 होल्ड हुआ तो ये वाला NC हो गया और फेज़ हमारा ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कॉन्टैक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि जब कोई यहाँ से हटा दे अपना हाथ, तो हमारा ये वाले सर्किट से हमारा कॉन्टैक्टर हमेशा क्लोज रहे, ओके, और इसी को बोलते हैं लैचिंग प्रोसेस। सेम टू सेम इधर है, देखिए जो दोनों कॉन्टैक्टर्स हैं हमारे लोकल में, मतलब कि पुश बटन से हम ऑन ऑफ इजीली कर सकते हैं। अगर आपको रिमोट की ड्राइंग सीखनी है तो मैंने डिटेल में DOL की ड्राइंग को डिटेल में इंडिकेशंस और रिमोट में कैसे चलाते हैं वो मैंने अपने
वीडियोस में समझाया है, अगर अगर किसी को डाउट है तो वो वीडियो देख सकता है जाके। अच्छा, अगर हमने खाली डोल की बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट ब्रेक कर दो, यहाँ फेज़ मत दो, सीधा सीधा ये सर्किट फॉलो होगा। यहाँ से फेज़ आया, रिले का NC, ये फॉरवर्ड स्टॉप पुश बटन है, इमरजेंसी दबा दो के फेज़ नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट नहीं आएगा बस डोल में, क्योंकि हमारा इधर कोई कॉन्टैक्टर पैनल में लग ही नहीं रहा है, तो उसमें यहाँ पे ये फेज़ नहीं होगा। सीधे सीधे यहाँ पे आपकी लैचिंग हो जाएगी और ये कॉन्टैक्ट लग जाएगा कॉन्टैक्टर। तो ये है डोल की ड्राइंग। ओके, थैंक यू।